वेइंग मशीन है, मैं अभी इस पर वेट चेक करती हूँ। 57 kgs। आपका दिन बहुत शुभ है। रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं देखकर क्रॉस कीजिएगा। Have a nice day. लग रहा है कि वेइंग मशीन सब कुछ बोल के बता रही है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। मैं फिर जाकर ट्राई करता हूँ। अच्छा तो मोटू लोग भी आए हैं। रुको अभी मजा चखाता हूँ। कृपया एक एक करके चढ़िए। एक एक करके चढ़िए। अरे मेरे साथ तो कोई नहीं चढ़ा, मैं अकेला ही तो हूँ। अपने पेट में जो 8-10 लोगों को छुपा रखा है उसका क्या? मजाक उड़ा रहे हैं मोटू का। ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सुनते हो जी, इन्होंने मुझे मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे ये क्या हो रहा है? अभी बताता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा हुआ मशीन चली गई, लेकिन बड़ी भूख लग गई है। चलो चल के कुछ खाते हैं। भाई साहब सबके लिए मस्त चाट बनाओ। अरे कौन है? अरे आपको तो हमने चाट खिलाई ही नहीं, फिर ये मुंह पर चटनी कहाँ से लगा लिया? अरे ये चटनी नहीं है। तो फिर क्या है ये? बहुत मारा उसने, मुझे पीछे से खींच कर ले गया और मेरी बहुत पिटाई की उसने। मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। इसकी हिम्मत है कि हमारे बीच से तुमको ले जाकर मारे। चलो आओ चाट खाओ। दो उसे देख लेंगे। आमने अरे भैया आप भी तो चटनी लगवा कर आ गए। उड़ी बाबा, आपको पता चल गया है कि ये चटनी नहीं है। बहुत मारा हमको। हम पहली बार इतना मार खाया। देखकर पीटने की क्या जरूरत है? हिम्मत भाई तो सामने आकर मार के दिखाओ। पीट दो भागो। पीछे देखो कौन है पीछे। अच्छा आइडिया है, मैंने ये सोचा ही नहीं। सामने आकर मारने का।
सॉरी गलती हो गई। आपके साथी मशीन को बोलो कि हमें छोड़ दे, हम कभी आपके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं। गलती से हाथ लग गया था, वो भी कभी नहीं लगेगा। तो फिर जाओ और अपने पुरपुरी नगर में जाकर छुप जाओ, इधर कभी आना नहीं। और अपने पुरपुरी नगर में जाकर छुप जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि लेडी मशीन ने ऐसा क्यों कहा कि अपने फुरपुरी नगर में चले जाओ। उसे कैसे पता चला कि हम फुरपुरी नगर के हैं? जरूर दाल में कुछ काला है, देखना पड़ेगा। बात क्या है? अरे अरे, ये तो खोपड़ी के रोबोट मशीन से है, वही ये सब कुछ करवा रहा है। उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो ना। अरे मोटू, सोचना क्या है? अरे मेरे पैसे। ये लो। थैंक यू। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। उड़ा दूंगा खोपड़ी की। हमें तुम्हारा सारा गेम समझ में आ गया। अरे ठीक है भाई, अब समझ में आ गया तो मैं क्या करूं? अरे अरे बटवा, जरा इनका हुलिया ठीक करो रे। इनको लेकर जाओ, इन्होंने हमारी रोबोट से खूब पिटाई करवाई है। ले जाओ। चलो अब तुम्हारे साथ रोबोट को भी मैं जेल में रखूंगा और उससे ही तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा जेल के अंदर।